सौसर क्षेत्र के ग्राम खैरीताई गांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम ब्राह्मण पिपला टोला में नाले के ऊपर से पुल बनाने की मांग कई वर्षों से चल रही थी, जिसको लेकर कुछ महीनों पूर्व शासन ने 40 लाख रुपए स्वीकृति देकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया। नदी पर पुल निर्माण को लेकर कई बार विधायक और शासन प्रशासन को आवेदन देकर गुहार लगाई, उनसे आश्वासन मिला लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। गाँव के लोग पुल जैसी समस्या से जूझ रहे। ग्रामीण ने बताया कि उनके गांव तक आए तो विकास की असलियत दिख जाएगी। गांव में पुल की समस्या है। पंचायती राज व्यवस्था में भी लोगों की समस्या का समाधान न होना दुखद है। ब्राह्मण पिपला टोला के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से भी चर्चा करने पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि फाइल कुछ दिनों से कलेक्टर ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां बारिश में वहां के लोगों को भूखे प्यासे रहे की मुसीबत बन जाती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से चेतन साहू की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। और हमें ये पुल की बहुत ही समस्या, हमारे टोले से 2 साल से हमारा पुल शासन स्वीकृत हुआ है और इसके बारे में हम विधायक महोदय जी के पास में गए थे सौसर, तो उन्होंने ये कहा कि ये कलेक्टर के साहब के पास फाइल दी हुई है और यहाँ से अभी तक कोई काम हो नहीं पा रहा और हमको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। कितने रुपए से स्वीकृत हुआ है ये? 41 लाख रुपए में स्वीकृत हुआ है हमारा पुलिया, और इससे बहुत ही समस्या। हमारे यहाँ बालवाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और बारिश के टाइम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। 4-4, 5-5 घंटे नदी का पानी कम नहीं होता है और हमने ये समस्या पूर्व सरकार को भी बताई, बीजेपी सरकार में भी, तो उन्होंने भी ये समस्या कोई हल नहीं किया। और अभी विधायक चौरे जी को भी हमने बताया तो उन्होंने बोला है कि ये कलेक्टर साहब के पास स्वीकृत है 41 लाख रुपये में, लेकिन अभी तक उसका कुछ काम ही नहीं हो पाया है। तो हम इसका समस्या का निराकरण चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ।